अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 75वां हिस्सा और आखिरी हिस्सा है, यानी पार्ट 75 है और लास्ट पार्ट है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 74वें हिस्से में क्या सुना। हमने 74वें हिस्से में सुना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी जमाना और आखिरी लम्हात का हम तस्किरा कर रहे थे। हमने 74वें हिस्से में सुना कि पहली मर्तबा आपके सर में दर्द कब शुरू हुआ और कैसे बीमारी बढ़ती चली गई, यहां तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार बेहोश होने लगे थे। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी लश्कर हजरत उसामा बिन जैद रजी अल्लाह तआला की इमारत में रवाना किया था, लेकिन वह आपकी बीमारी को देख कर रुक गया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कोई एतराज नहीं किया था। चलिए आगे सुनते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी की वजह से किसी का भी कहीं जाने का दिल नहीं चाह रहा था। इतवार के दिन अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ बढ़ गई, मुसलमानों में परेशानी फैल गई। हजरत उसामा रजी अल्लाह तआला को जब मालूम हुआ तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। देखा तो तकलीफ इतनी बढ़ गई थी कि आप बोल भी नहीं सकते थे। हजरत उसामा रजी अल्लाह तआला फौरन झुककर आपके पेशानी को बोसा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ हाथ उठाए, फिर उन्हें हजरत उसामा रजी अल्लाह तआला के सर पर रख दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त कुछ बोल नहीं सकते थे, मगर हजरत उसामा रजी अल्लाह तआला समझ गए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए दुआ फरमा रहे हैं। ज़ियारत करने के बाद हजरत उसामा रजी अल्लाह तआला अपने लश्कर के यानी अपने पड़ाव में चले गए। इधर बीमारी को बढ़ता देखकर सहाबा इकराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दवाई देने का इरादा किया। वो समझ गए कि ये तकलीफ कोई पलोसी बीमारी यानी फेफड़ों में पानी आ जाना और फिर खांसी उठना है। सहाबा इकराम ने वो बीमारी का अंदाजा लगाया, फिर उसी की दवाई तैयार की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देने लगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दवाई लेने से इनकार किया, यानी मना फरमा रहे थे, मगर सहाबा इकराम समझे कि जैसे बीमार दवाई पीना पसंद नहीं करता, शायद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसी तरह इनकार फरमा रहे हैं। तो सहाबा इकराम ने फिर भी इनकार करने के बावजूद भी वो दवाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पिला दी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत संभली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने तुम्हें दवा पिलाने से मना किया था ना, फिर तुमने मुझे क्यों पिलाई? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी सजा में फरमाया कि इस वक्त जितने भी आदमी यहां मौजूद है सबके मुंह में मेरे सामने वो दवाई डाली जाए, सिवाय अब्बास के, क्योंकि वो उसमें शरीक नहीं थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर उस मजलिस में जितने भी सहाबा मौजूद थे सबको वो दवाई पीनी पड़ी। यहां तक कि हजरत मैमूना रजी अल्लाह तआला रोजे से थी, मगर फिर भी उनके मुंह में दवाई डाली गई। इस वाकये को वाकये लदूद भी कहते हैं। बहरहाल 12 रबीउल अव्वल पीर का दिन सुबह के वक्त आपकी तबीयत पहले से अच्छी लगने लगी थी। सुबह की नमाज के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुजरे का पर्दा हटाकर मस्जिद में देखा। उस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला नमाज पढ़ा रहे थे। ये मंजर देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए और खुशी की वजह से आपका चेहरा बहुत ज्यादा चमक उठा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह खुश देखकर सहाबा का तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। ऐसा लगता था कि सहाबा अब नमाज तोड़ देंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला इमाम थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर उन्होंने इरादा किया कि वो पीछे आ जाए ताकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को नमाज पूरी करने का इशारा किया और पर्दा डाल दिया। ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी झलक थी जो सहाबा इकराम ने देखी थी। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने का सहाबा को मौका नहीं मिल सका। नमाज के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला फौरन हुजरे में तशरीफ ले गए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सुकून से थे।
तबीयत भी अच्छी लग रही थी। इसलिए हजरत अबूबकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत लेकर शहर से बाहर अपनी दूसरी बीवी के पास चले गए, क्योंकि आज उनकी बारी का दिन था। हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने भी आकर लोगों से कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब अच्छे हैं। ये सुनकर लोगों को भी इत्मीनान हो गया, वो भी इधर उधर चले गए। सहाबा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खैरियत मालूम करने के बाद मुतमईन हो गए और सब अपने अपने घरों को चले गए। मगर यहां पर थोड़ी ही देर के बाद सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नजा की कैफियत शुरू हो गई, यानी आखिरी लम्हात शुरू हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला की गोद में सर रख कर लेट गए। तकलीफ की और कमजोरी, तकलीफ इतनी बढ़ गई थी और कमजोरी हर लम्हा बर लम्हा बढ़ती जा रही थी और सेहत के आसार कम होते जा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उस वक्त पानी से भरा हुआ एक प्याला रखा हुआ था। थोड़ी थोड़ी देर में आप तकलीफ से बेताब हो जाते तो आप प्याले में अपना हाथ मुबारक डालते और अपने चेहरे मुबारक पर फेर लेते थे। उसी वक्त हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला के भाई हजरत अब्दुर्रहमान हुजरे में दाखिल हुए। उनके हाथ में एक मिसवाक थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसवाक की तरफ इस तरह देखा जिससे अम्मा जान हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला समझ गई कि आप मिसवाक करना चाहते हैं। अम्मा जान ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलुल्लाह, क्या आप मिसवाक करना चाहते हैं, मैं आपके लिए ले लूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारे से फरमाया, हाँ मैं मिसवाक करना चाहता हूँ। फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे पर अम्मा जान हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला ने मिसवाक लेकर अपने मुंह में चबाकर उसको नरम किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसवाक की। नजा के दौरान में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक पर ये अल्फाज आ रहे थे कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और बेशक मौत की बड़ी सख्तियाँ है। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छत की तरफ देखा और हाथ उठाकर फरमाया, अल्लाहुम्मा फी रफीकिल आला, अल्लाहुम्मा फी रफीकिल आला, यानी ए अल्लाह, मैं रफीक आला में जाना चाहता हूँ जो नबियों और रसूलों की जगह है। इसी के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक और पाक रूह रफीक आला की तरफ परवास कर गई और हाथ नीचे ठलक गया और इस तरह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया से पर्दा फरमा लिया। जैसे ही ये खबर फैली तो मालूम होने लगा जैसे कयामत आ गई। हर शख्स बदहवास, हैरान, परेशान हो गया। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला पर तो सख्ते की सी कैफियत हो गई। हजरत अली रजी अल्लाह तआला रोते रोते बेहाल होते जा रहे थे, यहां तक कि हजरत अली बेहोश हो गए। अजवाज मुतहरात यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां गम से निढाल हो रही थी। हर मुसलमान रंज और गम से तड़प रहा था। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला का हाल तो सबसे अलग ही था। उन्होंने जब यह खबर सुनी तो यकीन नहीं किया बल्कि तलवार खींचकर खड़े हो गए और कहने लगे कि बाज मुनाफिक ये कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया है। खुदा की कसम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरगिज नहीं मरे हैं बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने परवरदिगार के पास गए हैं, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम गए थे। खुदा की कसम, आप जरूर वापस आएंगे और उन लोगों को सजा देंगे जो ये कह रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला के पास जब ये वहशतनाक खबर पहुंची, वो उसी वक्त घोड़े पर सवार होकर मस्जिद नबी तशरीफ लाए। यहाँ हजरत उमर रजी अल्लाह तआला नंगी तलवार लिए खड़े लोगों के सामने खड़े थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला चुपचाप सीधे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे मुबारक में पहुंचे, इजाजत लेकर अंदर गए। यहाँ पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम बीवियां बैठी हुई थी, चारों तरफ बैठी हुई थी। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला के सिवा सब ने अपने मुंह पर कपड़ा डाल दिया, अपने मुंह को ढक लिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक से आपने कपड़ा हटाया और पेशानी को बोसा दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला के आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। आपने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो,
आप पाक ही जिंदा रहे और पाक ही इस दुनिया से गए हैं। ये वही मौत है जो अल्लाह तबारक व ताला ने आपके लिए लिखी थी और वो अब आ चुकी है। उसके बाद फिर आप पर कभी मौत नहीं आएगी। उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने चेहरे मुबारक को ढांप दिया और बाहर आ गए। यहां हजरत उमर रजी अल्लाह तआला के वो सब जुमले थे, हजरत अबू बकर ने उनको चुप कराना चाहा, मगर हजरत उमर जज्बाती थे, वो खामोश नहीं हुए। आखिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला जरा सा बाजू हटकर खड़े हो गए और लोगों को इधर आने का इशारा किया। सब लोग फौरन हजरत उमर रजी अल्लाह तआला से हटकर हजरत अबू बकर सिद्दीक के सामने आ गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला की हमद बयान की और फिर फरमाया कि जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता है वो जान ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया है, और जो शख्स अल्लाह ताला की इबादत करता है वो जान ले कि खुदा ताला जिंदा है और कभी नहीं मरेगा। उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने कुरान पाक की एक आयत पढ़ी जिसका तर्जुमा यह है कि और नहीं है मोहम्मद मगर अल्लाह ताला के एक रसूल, जिनसे पहले और भी बहुत सारे रसूल गुजर चुके हैं, अगर उनका इंतकाल हो जाए या वो शहीद हो जाए तो क्या तुम दीन इस्लाम से फिर जाओगे? जो शख्स दीन इस्लाम से फिर जाएगा वो अल्लाह ताला का जर्रा बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और अल्लाह ताला अनकरीब शुक्रगुजार बंदों को इनाम देने वाला है। उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने कुरान पाक की कई आयतें पढ़ी जिनमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला की जात के सिवा सब कुछ फना होने वाला है। उसके बाद हजरत अबू बकर ने एक लंबा खुतबा दिया जिसमें लोगों को समझाया कि अल्लाह से डरते रहो और बहुत सारे नसीहतें फरमाई। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला की ज़बाने मुबारक से कुरान पाक की ये आयतें सुनकर हजरत उमर को और दूसरे लोगों की हैरत टूटी, वो होश में आए। हजरत उमर को तो ऐसा लगा जैसे उन्होंने ये आयतें पहली बार सुनी हो। उसके बाद यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला के खुतबे के बाद हजरत उमर रजी अल्लाह तआला को आपकी वफात पर यकीन आया और फिर उन्होंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। ऐसे नाजुक वक्त में हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला के सब्र और आपके समझाने की वजह से लोगों को जबरदस्त कुव्वत मिली। सब लोगों को ऐसा लगा जैसे उनके सामने से पर्दे हट गए, सब होश में आ गए और सबको इत्मीनान हो गया। बहरहाल उसके बाद मुसलमान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन करने के मुतालिक मशवरे करने लगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने फरमाया कि मैंने रसूल अल्लाह को यह फरमाते हुए सुना है कि नबी की रूह जिस जगह निकलती है उनको वही दफन किया जाता है, चुनांचे यह तय हुआ कि आपको हुजरे में ही दफन किया जाएगा। उसके बाद नाश मुबारक को वहां से हटाकर वहां पर लहद यानी कब्र खोदी गई। हजरत अली रजी अल्लाह तआला, हजरत उसामा रजी अल्लाह तआला वगैरह ने आपको गुसल दिया। हजरत उसामा और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम शिकरान पानी डालते थे और हजरत अली रजी अल्लाह तआला गुसल दे रहे थे। वफात के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कमीज पहन रखा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस कमीज के समेत ही नहलाया गया। बाद में जब तीन कपड़ों का कफन दिया गया तब वो कमीज उतारा गया। उसके बाद जनाजा तैयार करके आवाम के लिए हुजरे में रख दिया गया। सहाबा के गिरोह आने लगे, यानी जमात के जमात आने लगी। अंदर जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलातो सलाम पढ़ते, फिर अपने महबूब की आखिरी जियारत करके रोते हुए बिलखते हुए हिचकियां लेते हुए आंसू बहाते हुए वापस आ जाते। मर्दों के बाद औरतों ने भी इस तरह नमाजें पढ़ी, फिर बच्चों ने नमाजें पढ़ी। आखिर मंगल का दिन भी ये सिलसिला चलता रहा, उसके बाद ये सिलसिला ख़त्म हुआ और उसी वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुजरे आयशा रजी अल्लाह तआला में दफन कर दिया गया। इस तरह अल्लाह के हबीब दुनिया के सबसे मुकद्दस, सबसे अजीम, सबसे पाक इंसान पैगम्बर आखिरुज़्ज़मा रहमत आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आलिहि व असहाबिहि अजमाइन 63 साल की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हो गए और अपने परवरदिगार के पास आला जन्नत में चले गए।
लाखों करोड़ों दरूद और सलाम हो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। भले रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पयाम आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेगा। उनका नाम जिंदा है, उनका काम जिंदा है। आपकी ज़बाने मुबारक से निकला हुआ एक एक लफ्ज, एक एक हर्फ जिंदा है और जिंदा रहेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलिए दोस्तों, अब मुझे इजाजत दीजिए। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं, उसके बाद आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। आप लोगों की हिम्मत अफजाई और हौसला अफजाई और प्यार और मोहब्बत ही था और अल्लाह का करम था जो ये मुबारक काम मुझ जैसे गुनहगार से हो सका। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोग ये बिल्कुल ना समझे, ना मेरा ये दावा है कि मैंने पूरी सीरत मुकम्मल बयान कर दी है या सुना दी है, बिल्कुल नहीं। सीरत तो एक समंदर है, बल्कि समंदर से भी ज्यादा गहरी है। बड़ी बड़ी जिल्दों में सीरत लिखने वालों ने भी ये दावा नहीं किया कि उन्होंने पूरी सीरत मुकम्मल बयान कर दी है। यकीनन बहुत सारी बातें छूट गई होंगी, बहुत सारे वाकियात छूट गए होंगे। उसके लिए मैं आप लोगों से माजरत खा हूं और माफी चाहता हूं। लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि सीरत पाक का हर वो पहलू जो मुदल्लल हो, मुस्तनद हो, वही बयान करूं। मैंने 10 सीरत की किताबों का मुताला करके ये सीरत पाक की सीरीज मुकम्मल की है। इंशाल्लाह आइंदा एक पूरा वीडियो बनाकर मैं ये सीरीज का पूरा सफर आप लोगों के सामने बयान करूंगा। आप हैरान हो जाएंगे, आज 75 पार्ट्स कंप्लीट हुए हैं। मुझे कोई भी एक वीडियो 6 से 7 घंटे से कम में नहीं बना है। हर वीडियो को कम से कम 6 या 7 घंटे लगे हैं। इंशाल्लाह मैं पूरी कहानी आपको बताऊंगा। मैं दुआ करता हूं और आप लोगों से भी दुआओं की दरख्वास्त करता हूं कि अल्लाह तबारक व ताला इस सीरीज की बरकत से अल्लाह ताला मेरे गुनाहों को माफ़ फरमाए। आप लोग भी दुआ करें और इस सीरीज को मेरे लिए सदक़े जारिया बनाएं। जब तक लोग इसको देखते रहेंगे मुझे उसका सवाब मिलता रहेगा और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन मेरी शिफात ज़रूर फरमाएंगे, ऐसी मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है। चलिए दुआओं की दरख्वास्त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।